100 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हर बंदे का कोई ना कोई सपना होता है। सबको आगे बढ़ना है, सबको ही प्रोग्रेस करना है, यही तो है आजकल का प्रोपोगंडा। यकीन नहीं आता आपको, खुद ही देख लीजिए। अरे यार, वो 3 लौंडे आने वाले थे, क्या हुआ? ठीक है, आए तो भेजो उन्हें। सलाम वालेकुम भाई। ये हमारे मिस्टर सलीम उर्फ सलीम सुतली। नहीं नहीं सुतली इनकी सरनेम नहीं है, एक्चुअली बचपन में है ना इनको बॉम्ब फोड़ने का बड़ा ही शौक़ चढ़ा था। पहले छोटे मोटे फटाके फोड़ते थे, फिर सुतली फोड़ने लगे, तब से इनका नाम हो गया सलीम सुतली। और आजकल ये जनाब कुछ बड़ा फोड़ने के चक्कर में है। ये आए प्रकाश अंधेरा। इन्हें सब काम अंधेरे में करने की आदत है। कहते हैं कि ये जब पैदा हुए थे ना तब अमावस की रात थी, ऊपर से मोहल्ले की बत्ती गुल थी, इनकी औकात तो गटर के ढक्कन चुराने की भी नहीं है। पर भाई साहब को अब चोरी में भी प्रमोशन चाहिए, चलो देखते हैं क्या होता है। ये मुच्छड़ जो फटी हुई आंखों से सबको घूर रहा है ना, इनकी स्पेशलाइजेशन है देसी दारू, और नाम इनका है डिकोस्टा। तो हो गया देसी डिकोस्टा। अब इनको आगे कैसे बढ़ना है वो तो आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। हर किसी की तरह, हम सब की तरह, इनको भी इज्जत चाहिए, मगर क्रिमिनल बनकर। चलो यार, कुछ देर के लिए इन्हें भी थोड़ी इज्जत दे देते हैं। ये है पापा जेंगो, यूरोप के अंडरवर्ल्ड माफिया। इंटरपोल की लिस्ट में इनका नाम टॉप 10 में है। पेरू से लेके चेक्लो। भाईजान, मेरा प्लान यह है कि एक टिफिन बम लगा दूं नेहरू बाजार में। भीड़ भाड़ बहुत होती है शाम में, तो 100-200 लोग तो बूम बूम बूम। जा सर, मैं क्या बोलती, मैं जाती और पटरी उखाड़ के लाती। तुम कर पाती? तुम कर सकता? पो। और तू क्या करेगा? आई एम प्रोफेशनल, आई ओनली प्ले बिग गेम्स। आज के बाद हर ठेके पे अपनी मिलावटी दारू बिकेगी। अच्छा, क्यों? तूने हर ठेके का ठेका ले रखा है क्या? हर ठेके में हलवा है क्या? बोला ना, आई एम प्रोफेशनल। ठीक है, जा। यार, लोग कहते हैं फिल्मों का असर होता है, गलत नहीं कहते। ये पता नहीं कोई लेडीज लोगों का पिक्चर आया बॉक्सिंग वाला, पता नहीं क्या हो गया सारे लोगों को। उधर मैं अपना काम कर रहा था, एक लेडी इंस्पेक्टर आई और मेरा काम तमाम करने लगी। अगर मैं नहीं पहुंचती टाइम पे तो इसकी तो लग गई होती। ये वहां था, तू वहां क्या कर? सर वो क्या है कि मैं सोची कि 4 बजे की ट्रेन है, मैं हल्का होके थोड़ा 4:15 बजे तक चली जाएगी। मगर सर, आजकल की इंडिया की ट्रेन है ना जो टाइम पे चलने लगी है। मैं पहुंची, ट्रेन आके निकल गई थी। साला, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। निकम्मे हो तुम लोग, मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना। बैठ जा,
बैठ जा, देर से कुछ नहीं होगा, बैठ जा। क्योंकि अगर होना होता तो इसका बम फुसकी ना होता, तेरी ट्रेन उलट जाती और इसके दारू में मिलावट भी हो जाती, लोग पीते और मर भी जाते। तुम क्रिमिनल बन के क्या सोचते हो, तरक्की कर रहे हो? इसे तरक्की नहीं कहते, तरक्की उसे कहते हैं जिस देश में 108 की सेवाएं भी 911 से तेज चल रही हो। उस देश को बर्बाद करने चले थे और तू हैकर क्या पूरे दिन टकर टकर कर रहा है, इसका बैलेंस उधर, उसका बैलेंस इधर। अरे अपने पप्पा का बैलेंस देख कितना है। पापा ठेंगो। हाँ, और तेरी चाचियों को मैंने ही भेजा था, औरतों को कम मत समझ, घर की इज्जत के साथ साथ पूरे देश की इज्जत बचाना जानती है। हम लोग जिस शहर में ठहरे हैं ना, उस शहर में लड़कियाँ देर रात को आइसक्रीम खाने निकलती है। और तू क्या सोचता है कि ट्रेन पुलिस से भी लेट आती है? अबे मुन्ना, अभी ना ट्रेन लेट आती है ना पुलिस, बुलेट बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के ज़माने में तू रेल की पटरी निकालने गया था। तू क्या सोचता है बे सलीम सुतली, तू जाएगा बम रखने, पकड़ा जाएगा, 2 साल का मुफ्त का प्रीमियम सेवा मिलेगा, अभी तेरे को डायरेक्ट मेवा मिलेगा। तुम क्रिमिनल लोग की सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, वहाँ मेरी सोच चालू होती है। तुम एक मंजिल तोड़ोगे, हम तब तक 2 बना चुके होंगे। अबे सूत्री, तेरा बॉम्ब क्यों नहीं फटा पता है क्या? तुम लोगों में तो फ्यूज़ है नहीं, और बॉम्ब का फ्यूज़ तो मेरे पास था। तो अभी या तो सरेंडर करो या यही फटो, नाउ द चॉइस इज योर्स। जाने से पहले एक सेल्फी हो जाएगा।